हम आपको दिखाएंगे कि जिला प्रशासन ने सुबह से ही इंतजाम कर लिया था बैदराज किशन की बारात का। दूल्हे से निपटने के साथ साथ बरातियों से भी निपटने का जिला प्रशासन ने पहले ही सुबह से इंतजाम कर लिया था। बाखूबी आप देख रहे हैं एसपी सिटी बाखूबी चुस्त दुरुस्त और मौके की नजाकत के हिसाब से फोर्स भी दिखा रहे हैं हम आपको, और आगे और भी दिखाएंगे कि बरातियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने किस तरीके का इंतजाम करा था। बाखूबी आप देख सकते हैं सुबह से ही जिला प्रशासन को पता था कि बैंड बाजे के साथ दूल्हा आएगा, इसलिए उनके स्वागत की तैयारी के लिए बताने की जरूरत नहीं। बाखूबी आप देख रहे हैं किस तरीके स्वागत के लिए तैयारियां करी, और हम आपको विस्तार से दूल्हा भी दिखाएंगे बारात भी दिखाएंगे कि बैदराज किशन ने किस अंदाज में नामांकन कराया। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस को भी नहीं जाने दिया बैरिकेडिंग को पार करने के लिए। तो चलिए अब हम दिखाते हैं बैदराज किशन नामांकन करा रहे गए किस अंदाज में और कितने बाराती और बैंड बाजा, विस्तार से दिखाते हैं। और जब बैदराज किशन से पूछा गया तो उन्होंने घोड़े पर से उतर के क्या कुछ बयान किया? सोचा क्या? मैंने ये सोचा कि आज राजनीति का दमाद बन के जा रहा हूँ। मैं इसलिए बन के जा रहा हूँ कि अगर जीत के आऊंगा तो उसके बाद शाहजहांपुर का विकास करूंगा, सब बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए मैं इलेक्शन लड़ता हूँ। अच्छा, तो ये मैसेज क्या दे रहे हो दूल्हा बन के? दूल्हा बन के इसलिए राजनीति का दमाद हो, इसलिए क्योंकि आप लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं इलेक्शन लड़ने के लिए, और शहर की जनता को विश्वास मेरे ऊपर है कि बैदराज को अब भी जिताना है। और थाना सदर बाजार से पहले ही पुलिस ने रोक ली बारात, दूल्हे को भी रोक लिया और बारातियों को भी रोक लिया। और रोकने के बाद दूल्हे से ये कहा कि धारा 144 का उल्लंघन है, हो सकती कार्रवाई तो मजबूरी दूल्हे राजा अकेले ही चल दिए नामांकन कराने के लिए। और बाखूबी आप देख रहे हैं बैदराज किशन घोड़े पर सवार होकर चल दिए, बाराती वहीं छूट गए। लेकिन आपको बता दें कचहरी चौराहे के पास स्टैंड के ऊपर जब उनसे पूछा गया कि घोड़े को कहां खड़ा करेंगे तो क्या कहा? नेता जी बताइए, घोड़ा आप अपना स्टैंड पे खड़ा करेंगे क्या? नहीं खड़ा करते, पैदल जाएंगे, स्टैंड पे नहीं खड़ा करेंगे। और पैदल नामांकन कराने चल दिए। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि किस तरीके की बारात है ये, दुल्हन कहां है, तो उन्होंने बताया कि दुल्हन कै तारीख को मिलेगी। किशन जी, ये कैसी बारात है जिसकी दुल्हन का नहीं पता है, किस तरह की बारात है ये? दुल्हन दुल्हन तो उसका नाम 29 तारीख के बाद मिलेगी, जब उसका नाम इलेक्शन जीतेंगे। किस तरह का चुनाव है ये? कितना अहम चुनाव है आपके लिए? मेरे अहम इसलिए है कि भाई मेरे पास इस वक्त इतनी धनराशि नहीं है, मैं एक गरीब प्रत्याशी हूँ और मजबूरन ये हमें सब करना पड़ा। हमें बैंड बाजा मिला, वो भी सहयोग से मिला, और जैसे एरवानी सब सहयोग से आपके मिलती है। शहर की जनता ने हमें सहयोग दिया और शहर की जनता हमें जिताई। लड़े हैं आपने, कौन कौन से चुनाव लड़ चुके हैं आप? मैंने मेंबरी से लगा के चेयरमैन, MSC और लोकसभा विधानसभा ये सब लड़ चुके, राष्ट्रपति तक का मिला के। और बैदराज किशन ने पर्चे की प्रक्रिया पूरी कर ली, हम आपको दिखाएंगे कि एक जगह पर रुक कर बाखूबी आप देख रहे हैं कि उन्होंने प्रक्रिया पूरी करी और दाखिल हो गए निर्वाचन कार्यालय के अंदर, बाखूबी आप देख रहे हैं। हालांकि हम आपको आगे ये सुनवाएंगे कि संविधान का निकाह भी पढ़ाया गया उनको और जोर से पढ़ाया गया, हम आपको वो भी सुनवाएंगे, लेकिन पूरा विस्तार से नजारा हम दिखाते हैं आपको। और आपको बता दें कि जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने संविधान का निकाह किस अंदाज में पढ़ाया, आपको बताते हैं कि बाखूबी हालांकि वो पानी भी मांगने लगे एक जगह पर, हम आपको वो भी दिखाएंगे। मैं किशन लाल जो 27 लोकसभा 27 शाहजहांपुर आजा लोकसभा में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देश हुआ हूँ
ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं विधि द्वारा साबित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा। और अब हम आपको दिखाएंगे दिलचस्प नजारा कि संविधान का निकाह पढ़ते पढ़ते प्यास लगने लगी तो बैदराज किशन ने क्या कहा। और निष्ठा रखूंगा और इस निष्ठा से विज्ञान करता हूँ भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण।